एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग में आफ्टरनून से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता एक्चुअली। सुबह सुबह उठ के शेड्यूल जिस टाइप का रहता है ना, तो काफ़ी बिजी होती हूँ। सुबह तो बच्चे जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट में इतना ज़्यादा वो रहती हूँ बिजी, देन वही झाड़ू पोछा रह जाता है, सफाई रह जाती है, उसको आप कितना देखोगे, कब तक देखोगे। तो मॉर्निंग में ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं है, तो फिर मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी आफ्टरनून है, मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, बट अभी भी मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। क्लीनिंग में ही लगी हुई हूँ अपने घर में, और होपफुली आप सब लोग भी अपने घरों में क्लीनिंग में लगे होंगे। घर की हालत इतनी बर्बाद है इस टाइम, मतलब घर में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि फैलारा ना हो, बट हाँ होपफुली आज कल में सब चीज़ें सिमटने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अंदर से ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन हो चुका है, सब कुछ बस बाहर बाहर का रहता है। तो फुल व्यू दूंगी आपको, एक बार क्लीन कर लूँ सारा। एक्चुअली मेरी प्लानिंग थी, मैंने ना श्राद्धों में क्लीनिंग शुरू कर दी थी। श्राद्ध में मेरे किचन क्लीनिंग के व्लॉग आए थे, तो मैंने सोचा था कि श्राद्धों में मैं किचन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन मेरी बड़ी है, मतलब बड़ी मीनिंग पूरी फुल्ली कबर्ड है, तो मुझे ये था मैं ये कर लेती हूँ। देन नवरात्रों में मैंने कमरे से फ्री हो जाना है, और उसके बाद फिर अहोई अष्टमी तक बाकी जो आउटर क्लीनिंग है वो हो जाएगी। अहोई के बाद फिर मैं डेकोरेशन में लगूंगी, लेकिन ट्रेजडी हो गई, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, तो श्राद्धों में किचन का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन नवरात्रों में जो मुझे क्लीनिंग करनी थी वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ व्रस्त चल रही हैं। थोड़ा सा पेनफुल भी है इस टाइम सारा कुछ काम करना, फिर फेस्टिव है तो बीच में वो भी ब्रेक लग जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, बट एनीवेज ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है कि डेकोरेशन को तो शायद मैं नहीं दे पाऊँगी टाइम, क्योंकि क्लीनिंग हो जाए आज वही बहुत बड़ी बात है, पर आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। तो मेरी सांस फूल रही है। एक्सीडेंट के बाद ना मेरे साथ कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे लाइक मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ उसके बाद मेरी फिर सांस फूल जाती है, बैठ जाती है, जबकि ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे साथ। और ये सांस फूलने वाली प्रॉब्लम मेरे साथ शायद कोरोना टाइम में भी थी, कोरोना के बाद, और दो तीन दिन से वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन जा रही है। बीमारी भी कोई नहीं है, लेकिन डाउन फील कर रही हूँ, शायद मे बी की थकान की वजह से है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चूहे भगाने की दवाई, तो जो मार्केट में मिलती है ना चूहे मारने की रेट किल, एक्चुअली उससे क्या होता है चूहे बाहर जाके मरते हैं, बट मुझे मारने नहीं है, मुझे भगाने हैं। तो मैंने क्या किया है, वो रेट किल जो आती है उसको पानी में अच्छे से सोक कर लिया है, और उस सोक करने के बाद इसको मैश कर लिया, तो ये खुल गया है। अब ऐड करूँगी इसमें, आपके पास बटर हो बटर कर लीजिए, बटर ज़्यादा स्मेल करता है, अदरवाइज़ घी, तो मैंने घी ऐड कर लिया है। और साथ में ऐड करूँगी मैं इसमें आटा, ये आटा ऐड कर लिया है। अभी थोड़ा सा आटा मैं और लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है, तो ये आटा ऐड कर लूँगी, और ये अच्छे से इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। इसकी पेड़ियाँ बनानी है मैंने, तो बस उसी हिसाब से मैंने इसको मिक्स कर लेना है, डो बना लेना है अच्छा सा। अगर आप सीधी दवाई रख देंगे तो चूहे खाएंगे और बाहर जाके मरेंगे, लेकिन हमें मारने नहीं है यार, बस इतना है कि वो घर से चले जाएं। और हमारा एरिया भी ऐसे भी ना डेवलपिंग एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से चूहे अपना घर बनाए रहते हैं, तो बस इतना रहता है कि हमारे घर से चले जाओ और काफ़ी सारा एरिया है, आप वहाँ जाके रहो। तो मैंने ये डो बना लेना है, देखिए डो बन के मेरा रेडी है। अब इसकी मैं छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लूँगी, ये छोटी छोटी पेड़ियाँ बनानी है इसकी। तो ये हमारे बन गए, अब मैं जा रही हूँ उधर प्लॉट पे, बोल सकते हैं पापा वाले घर पे, और रॉक्सी देखो इसको लगा है मम्मी कहाँ जा रही है, तो चलते हैं। इस टाइप के पेड़े मैंने पूरे बना लिए हैं। यहाँ पे मेरी गुल्ली की चल रही है स्टडी, मेरा सोना बच्चा पिकनिक के लिए कन्वेंस कर रहा है, कभी मम्मी को कभी फ़ोन पर डैडी को, और दोनों साइड नो नहीं जाएगा। Yes. अभी तो हाँ बोला, बट फिर ना बोल दिया। क्यों? ऐसे नहीं। Yes. Yes. चलो ये कहाँ खड़ा है, हेलो हेलो, ये मिट्टी खाता है, ये रोटी नहीं खाता, ये गंदा मिट्टी खाता है, मेरा मजाक बनाते हैं। एक्सीडेंट के बाद कहते हैं मम्मी आप स्कूटी चलाओगे, मैं कहती हूँ यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं नहीं करती किसी से, मैं नहीं बनाता मजा, मैं नहीं बनाता, सबसे गंदा है स्कूटी की चाबी।
यहाँ पे चूहों की वजह से इतनी स्मेल हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये लॉक भी लग गया, पहले नहीं था ना, ये अभी लगा है। मैं आई नहीं हूँ ना अब काफ़ी टाइम से, और इतनी गंदी स्मेल हो रही है सारे घर में अंदर। यहाँ की एक एक चीज़ इतने प्यार से बनी है ना, मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी जीत हासिल की है हमने। पार्टीशन वाइज मैंने ये लाइटिंग कराई है, अभी इसमें कोप डलनी है, अंदर जो लाइट डलती है वो नहीं डली है, वो डलेगी अभी। और ये सिर्फ ड्राइंग एरिया जो है उसकी लाइट्स हैं, और ये डाइनिंग एरिया है हमारा, ये इसकी लाइट्स बिल्कुल अलग हैं। अभी जब सारी चीज़ें हो जाएंगी ना कंप्लीट, तब और अच्छा लगेगा। इधर भी लाइट लग गई हैं, इधर की दिखाती हूँ। ये तो तभी लग गई थी मेरे सामने ही पहले ही, ये मीनिंग हर लाइट अलग अलग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब सेम आएगी। अगर आपका मूड चेंज है या आपको लाइट चाहिए या रूम बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए, डार्कनेस चाहिए रूम में, तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत सोच समझ के बनवाई हैं। और यहाँ पे भी अभी कोप लगनी रह गई है, कोप लगेगी ये पूरे में, ये है ना ये एरिया पूरा, यहाँ पे ये सारा डिज़ाइन, यहाँ पे सब कोप लगने वाली है, फिर उसकी अलग स्विचेस होंगे। चलिए लाइट कर देते हैं बंद। चलते हैं घर। ये देखो रोटी नहीं खाई, पूड़ी बना के खा रही है। चल कुछ तो खा मोटी, सारी कमज़ोर हो रही है बट सुनती नहीं। अभी ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे, तो मैंने सोचा चलो शूट भी कर लेते हैं। प्याज काटते काटते मेरी आंखों का बुरा हाल है, तोड़ दिया शब्द। ये तो ऐसे ही था, उसमें रखा था। मेरे बेटे ने ट्राइपॉड तोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा बोल रहा है। मम्मी उसमें ऐसे ही रखा था, ये साइड में रखा था और ये इसके साइड में रखा था। कोई बात नहीं, प्याज काटना बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए। और पीछे वो लैडर दिख रही है ना आपको, एक्चुअली ये साइड में एक कबर्ड है, आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही है, वो फैलादा सा जो दिख रहा है वो क्लीन कर रही थी मैं। तो बस आजकल ऐसे ही कुछ चल रही है लाइफ में कि इधर फैला हुआ होता है उधर समेट रही होती हूँ। और नीचे मैं अभी प्याज कट करने लगी थी, एक्चुअली अभी काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, और एक साथ बहुत हार्ड वर्क भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा हार्ड कर लेती हूँ, ताकि चीज़ें स्मूथ हो जाएं। प्याज बाप रे बहुत रोई आज प्याज के चक्कर में। मैं प्याज बहुत कम काटती हूँ, बहुत कम। चलिए कोई नहीं, प्याज हमारी हो गई है कट, लेट्स स्टार्ट। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी नमक, मतलब प्याज ली, प्याज में नमक ऐड किया, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी, मतलब एक चम्मच भी नहीं लेनी है, बस थोड़ी ज़्यादा लेनी है, थोड़ी सी सौंफ, चाट मसाला और हींग, बस और कुछ नहीं लेना। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है हाथ से। ये हो गया मिक्स। अभी ना बाद में मुझे एक काम और करना है इसमें, कि एक एक पराठा तो प्याज का बनाऊंगी, और इसमें फिर मेरे पास थोड़ा सा पनीर बचा हुआ है, मैं पनीर भी ऐड करूंगी, तो मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं पनीर ऐड करूंगी। तो चलिए पराठा बना ले लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने ठाकुर जी के पराठे बना दिए हैं, उनके प्लेन बनाने थे ना, उनको प्याज वाले नहीं बनाने थे, तो उनके पराठे हो गए, उनको मैं दूध से और चीनी से दे दूँगी, वो खा लेंगे। इसको साइड कर देते हैं। तो अभी मैं प्याज वाला बनाऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले पेड़ी लेनी है, जितनी बड़ी रोटी बनाती हूँ उससे थोड़ा बड़ा लूँगी। हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे अच्छे से। अब ये जो हमने प्याज बनाई हुई है ना, कट करके रखी हुई है मसाला बना के, इसको इसमें अच्छे से फिल कर लेंगे, और
इसको ऐसे अच्छे से रैप कर लेंगे। रैप करके फिर ना इसको हल्के हाथ से सारे में फैला लेंगे, हल्के हल्के हाथ से ऐसे, ताकि ये सारे में फैल जाए। देन सूखा आटा लगा के इसको धीरे धीरे बेलना है, क्योंकि प्याज मैंने थोड़ी मोटी रखी है। टुकू को मोटी मोटी प्याज पसंद है, तो मैंने मोटी प्याज रखी है। गैस को हम सिम रखेंगे, तेज फ्लेम पे नहीं बनाना है, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा है ना ये, बस हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। और धीरे धीरे इसको सेक देंगे। अभी घी लगाऊंगी अच्छे से, और मैं ना पराठा बनाने के लिए देसी घी ही यूज करती हूँ। ये मेरे कुंवर जी खा लेंगे। प्याज वाले टुक्कू को ज्यादा पसंद है, गुड्डा को प्लेन आलू वाले पसंद है। जब आलू वाले बनाती हूँ तो टुक्कू को उसमें भी चाहिए होती है प्याज। देखिए पराठा बनकर मेरा रेडी है। ये देखिए पराठा कितना अच्छे से बना है, एकदम से क्रंची। अब इसी प्याज में मैं जो मेरे पास पनीर पड़ा हुआ है वो मैं ऐड करूंगी। पनीर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। और ये मैं इसे अच्छे से प्याज में मिक्स कर दूंगी। और ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको देख के ना मुझे गोभी के पराठे की याद आ गई। मेरे पास अभी गोभी नहीं है, वरना मैं गोभी वाला भी बना लेती। फेस्टिव सीजन में यही होता है ना, ऑयली ऑयली फूड इतना सारा खाने को मिलता है, चटपटा सा। यहाँ पे मैं रॉक्सी को वॉक कराने आई थी, रॉक्सी मुझे छोड़ के भाग गई, उधर अंधेरे में खेल रही है रेत में। उसकी फ्रेंड आ गई रोबो उसके साथ। कोई नहीं, अभी मेरे को अंदर जाके और भी बहुत सारा काम करना है। मैं थक गई हूँ काम कर करके, मन ही नहीं करता इतना सारा काम करने का। अभी ना चारों तरफ घर सजने लगे, वो देखो पीछे हमारा भी सजेगा, बट अभी लगेगा टाइम, क्योंकि अभी तो मुकेश ही नहीं है यहाँ पे, वो आ जाएंगे उसके बाद। यार इस बार बहुत सोचा था, इस बार मेरे सारे फेस्टिव ऐसे ही जा रहे हैं कि जो मैं सोच के रखी हूँ ना वो नहीं हो पा रहा, बाकी सब हो रहा है, बट जो मैंने सोचा है वो नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। तीजों पे सोचा था अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बाहर जाएंगे, पापा की तबीयत ख़राब हो गई। राखी पे सोचा था अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बच्चों को स्कूल जाना पड़ गया। देन अभी जन्माष्टमी पर सोचा था अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से हुई थी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे ही हो गई थी। तो बाकी जन्माष्टमी हाँ अच्छी थी। उसके बाद अभी कौन सा फेस्टिवल आया था रिसेंटली, कौन सा था, करवा चौथ पे दशहरे पे सोचा था, तो मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया नवरात्रे दशहरों में। उसके बाद मुझे कीर्तन वगैरह में भी जाना होता है ना नवरात्रों में, तो वो सारा स्किप हो गया। उसके बाद अभी तो सारे ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब एक इस चोट ने भी इतना कुछ ख़राब कर दिया सारे फेस्टिवल्स। बट एनी वेज ट्राई कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, इन्जॉय सब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं ला पा रही हूँ मैं। ऑन कैमरा लाने में मेरे को दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम भी यहीं हैं, कैमरा भी यहीं है, यूट्यूब भी यहीं है, और आप लोग भी यहीं हो, तो ये भी करेंगे। चलिए तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरा वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।